विश्व भर में 1 जनवरी की तारीख को नए साल के रूप में मनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नववर्ष केवल 1 जनवरी को ही होता है। दुनिया भर में अलग अलग स्थानों पर नववर्ष की तारीख अलग अलग होती है। संप्रदाय और धर्म भी नववर्ष के अपने हिसाब से अलग अलग तिथियों को मनाते हैं। इन सभी में हिंदू नववर्ष की मान्यता अधिक है, क्योंकि हिंदुओं का नया साल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नववर्ष यानी न्यू ईयर की तरह प्रतीत होता है। कब मनाया जाता है हिंदू नववर्ष? सनातन धर्म के मुताबिक हिंदू नववर्ष चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस तिथि पर पूरी पृथ्वी नए रूप में निखर रही होती है। इस समय पतझड़ के बाद पेड़ पौधे बसंत ऋतु में प्रवेश कर रहे होते हैं। पेड़ों पर सूखे पत्तों की जगह नए और हरे भरे पत्ते उग रहे होते हैं। मान्यताओं के मुताबिक इसी तिथि को भगवान ब्रह्मा ने षष्ठी का निर्माण किया था, इसलिए प्रत्येक साल हिंदू धर्म में चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही नववर्ष मनाया जाता है। 2023 में किस तारीख को पड़ रहा है हिंदू नववर्ष? बता दें कि हिंदू नववर्ष 2023 में 22 मार्च को है। इस दिन चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। देश में इस दिन सनातन धर्म के लोग अधिक उत्साह के साथ नववर्ष मनाते हैं। हिंदू नववर्ष के दिन सुबह जगने के बाद घर में भक्तिमय माहौल रहता है और दिन की शुरुआत पूजा पाठ से होती है। हिंदू नववर्ष के दिन से नवरात्रि के पर्व की शुरुआत होती है और घर घर में घट स्थापना की जाती है। इसके साथ ही लोग प्रार्थना करते हैं कि नया साल सभी के जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। हिंदू धर्म के अलावा देश में रहने वाले बाकी धर्मों के लोग भी अपने अपने हिसाब से अपना नववर्ष मनाते हैं। पंजाबियों के लिए न्यू ईयर की शुरुआत बैसाखी के दिन होती है, जो वर्ष 2023 में 13 अप्रैल को पड़ेगा, लेकिन नानक शाही कैलेंडर के अनुसार पंजाबियों के लिए होला मोहल्ला नया वर्ष होता है और यह 14 मार्च को पड़ेगा। वहीं कश्मीरी पंडित नवरेह के दिन नववर्ष अधिक उत्साह के साथ मनाते हैं। साल 2023 में या 19 मार्च को पड़ेगा। मारवाड़ी लोग नववर्ष दीपावली के दिन मनाते हैं। इसके दूसरे दिन गुजरात के लोग नववर्ष मनाते हैं। बंगाली लोग पोहेला वैसाखी के दिन से अपना नया साल मानते हैं और मराठी लोग गुड़ी पड़वा के दिन से अपना नववर्ष मनाते हैं।